नमस्कार, बड़ी खबर लेकर हाजिर फिर से रवि कुमार के साथ। आप देख रहे हैं तरक 24 न्यूज। बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं, जहां मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां बता दूं कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म का एक मामला सामने आ रहा है, जहां एक ठेकेदार ने एक अपने ही मजदूरी करने वाली एक लड़की को, जो कि नाबालिग 15 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करता रहा, शादी का झांसा भी दिया, क्या बुरा मामला है जानने का प्रयास करेंगे। जहां बता दूं कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा धानी सिंगरौली में शादी के नाम पर दुष्कर्म के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बता दूं कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा धानी सिंगरौली में शादी के नाम पर दुष्कर्म के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जहां की कहा जाता है कि शादी का जो मामला है उसमें कहीं ना कहीं ये भी हो जाता है कि अभी तक मुझे मेरा ये शोषण कर रहा था, जहां शोषण के बाद अब जब शादी की बात आ जाती है तो सामने वाला उसे छोड़ देता है, कहीं जात कहीं धर्म तो कहीं कुछ और। लेकिन नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सीधे ऊर्जा धानी जिले से आ रहा है। बताता चलूं कि एक ऐसा ही मामला जो सामने आ रहा मुरवा थाना के क्षेत्र से, जहां की एक नाबालिग के साथ शादी का झांसा देकर एक ठेकेदार ने दुष्कर्म किया। नाबालिग ने जब शादी का बोला तो ठेकेदार ने मना कर दिया, जिसके बाद नाबालिग ने अपनी परिजनों के साथ आकर गुरवी चौकी में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने मामला जो लेकर के गिरफ्तार करने पहुंची और आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया। चौकी प्रभारी शीतला यादव ने बताया कि यूपी के सोनभद्र जिले से 15 वर्षीय नाबालिग गांव वालों के साथ मजदूरी करने गुरवी मुहेर आई थी, जहां आरोपी ठेकेदार धनंजय साकेत निवासी सोलांग ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। करीब 1.5 महीने तक नाबालिग के साथ आरोपी दुष्कर्म करता रहा। इसके बाद मजदूरी का जब पैसा मांगने लगी तब उसे काम से ही निकाल दिया। पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ गुरबी चौकी पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर चौकी प्रभारी ने मेडिकल परीक्षण कराया। इसके बाद आरोपी धनंजय साकेत के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध हुआ और जेल भी भेज दिया गया। लगातार ऐसे मामले देखे ही जा रहे हैं, जहां की बालिक हो या नाबालिग हो, शादी को झांसा देकर सीधे देखा जा रहा है कि ऐसी रिपोर्ट भी लिखाई जाती है। हालांकि इसकी पुष्टि मैं नहीं करता कि सामने वाले के साथ बलात्कार हुआ है या नहीं, लेकिन जब तक इसकी जांच पूरी तरीके से ना हो तब तक यह भी नहीं कहा जा सकता, कुछ और भी मामला है। कहीं ना कहीं देखा यह जाता है कि जब दुष्कर्म का मामला सामने आता है तो FIR तो हो जाती है और सामने वाला जेल भी पहुंच जाता है, यहां तक कि उसके मकान को भी गिरा दिया जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि यह मामला कहीं राजनीतिक। लगातार खास खबरों के साथ बने रहे तरंग 24 न्यूज से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली बड़ी खबर आपको फिर मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।